नगरी में इन दोनों चोरी, लूट, चेन स्नेचिंग, डकैती की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पुलिस जिन्हें पकड़ने में असफल है, तो पुलिस चोरों के पीछे है, तो वहीं दूसरी तरफ चोर उनसे आगे हैं। उल्टा पुलिस कर्मियों के घर को ही साफ कर दिया। पुलिस लाइन स्थित पुलिस कर्मियों के करीब 5 घरों में चोरों ने निशाना बनाया। घर से नकदी, ज्वेलरी चुरा कर ले गए चोर। SSP सुधीर कुमार ने बताया कि पुलिस लाइन स्थित पुलिस कर्मियों के घर में चोरी हुई थी, जब वहां पर कोई नहीं था। पुलिस लाइन के ईदगाह रेलवे स्टेशन की तरफ खाली पड़ी हुई जमीन की तरफ से पुलिस लाइन में कुछ चोरों द्वारा 3 घरों में चोरी की गई। ये सभी लोग छुट्टी पर गए हुए थे और मेरे द्वारा मौके का भ्रमण किया गया, निरीक्षण घटनास्थल किया गया है। बहुत ज़्यादा सामान तीनों का नहीं गया है। एक मकान में तो चोरी भी नहीं, भारी ताला काटा था, ताला काट के अंदर घुसे हैं। डॉग स्क्वाड बुलाया गया है, फील्ड यूनिट बुलाई गई, बहुत जल्दी इस चोरी को वर्कआउट किया गया जाए। मेरे द्वारा RI पुलिस लाइन को उस तरफ रात्रि पहरा लगाने का भी निर्देश दिया गया है, क्योंकि उधर से बाउंड्री वॉल टूटी हुई है और जो ईदगाह की जमीन है, जो ईदगाह रेलवे स्टेशन जमीन है, वो भी टीले नुमा है, ऊँची है, उधर उधर से कूद कर भी घर आया जा सकता है। तो उधर ड्यूटी लगाने का निर्देश दिया गया है और भविष्य में बहुत जल्दी इस चोरी को वर्कआउट किया जाए।